प्रॉमिस किया था हमने आपको गाड़ी की ओनरशिप कॉस्ट के बारे में बताने के लिए, वैगनआर एलएक्सआई सीएनजी का कॉस्ट बताने के लिए। मुझे तो खैर नींद आ गई थी, लेकिन सचिन ने सुबह सुबह फ़ोन कर दिया और बोलता चलो गाड़ी के खर्चे बताने चलते हैं। मैंने कहा कि सुबह सुबह क्या किसी को खर्चे बताएं, लेकिन उसने बोला कि चलो आपको एक ज़बरदस्त लोकेशन पर लेके चलते हैं। तो आप इस लोकेशन पर सचिन लेके आया हमें, पीछे एकदम ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। तो चलो थोड़ा सा जब खर्चों को देखेंगे, खर्चों के बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा सा एक वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा पैसिफिकेशन होगा। फिलहाल सीधे आते हैं मुद्दे की बात पर। ये वैगनआर 2019 एलएक्सआई सीएनजी मॉडल है और हमने आपका इसका एक रिव्यू, उसके बाद गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू हमने ये आपको बता दिया है। आपको आज हम बताने वाले हैं गाड़ी रखने का खर्चा कितना होता है, और ये यूट्यूब पर शायद पहली बार होगा कि हम आपको ये सारी चीज़ें एविडेंस के साथ दिखाएंगे। मैंने अपने हाथ में एक सेलफ़ोन ले रखा है जिसमें मारुति सुजुकी का एक ऐप है, जिसमें जो भी मैंने खर्चे किए हैं गाड़ी के ऊपर वो सारे इसमें मेंशन है। परफेक्ट, तो शुरुआत करते हैं पहली सर्विस गाड़ी की, जो फ्री सर्विस होती है। ये गाड़ी 57,000 चल चुकी है, नेक्स्ट सर्विस इसकी 60,000 पे होनी है, होने ही वाली है, लेकिन 57,000 तक का क्या खर्चा है वो आपको बताते हैं। पहली सर्विस जो कि फ्री होती है वो मेरी हुई है 1,430 किलोमीटर पे। ये तक ये 1,000 किलोमीटर पे हो जानी चाहिए, लेकिन मेरी सर्विस 1,430 किलोमीटर पे हुई है, क्योंकि मैं गाड़ी लेते ही एक लॉन्ग ड्राइव पर चला गया था। ये सर्विस हुई है 43.98 रुपये की, यानी 44 रुपये की ये पहली सर्विस हुई है। सेकंड सर्विस जो 5,000 किलोमीटर पे होती है वो सर्विस हुई है मेरी ज़ीरो। 5,000 किलोमीटर की सर्विस पे मेरा कोई चार्ज नहीं लगा है, क्योंकि वो भी फ्री सर्विस का ही पार्ट होता है। इसके बाद अगर मैं थर्ड सर्विस की बात करूँ, तो जो थर्ड सर्विस है मेरी उसकी ये थर्ड फ्री सर्विस की अगर बात करूँ, तो वो हुई है मेरी 9,614 किलोमीटर्स पे, यानी जो 10,000 वाली है। 1,000 वाली पे ज़ीरो, उसके बाद जो अगली सर्विस 5,000 वाली है उस पर भी तकरीबन ज़ीरो, और थर्ड सर्विस जो है उस पर जो मेरा चार्ज है वो फ्री सर्विस है, उस पर मेरा चार्ज 3,744 रुपये 39 पैसे, यानी तकरीबन 3,750 रुपये के आसपास की मेरी थर्ड फ्री सर्विस हुई है। इसके बाद 10,000 के बाद जो अगली सर्विस होती है वो 20,000 वाली होती है। मैंने 20,000 वाली सर्विस को 18,000 किलोमीटर पे ही करवा लिया था, और उस सर्विस में मेरा जो कॉस्ट आया वो आया 4,509 रुपये 11 पैसे का, यानी तकरीबन 4,500 रुपये की सर्विस जो 20,000 किलोमीटर पे होती है वो मेरी हुई थी। इसके बाद अगली जो सर्विस है वो 30,000 किलोमीटर वाली है, क्योंकि गाड़ी की सर्विस हर 10,000 किलोमीटर पे होती है। तो 30,000 वाली जो सर्विस है उसका जो कॉस्ट मेरे को आया था वो आया था 5,314 रुपीज़ एंड 36 पैसे, 5,300 रुपये आप कह सकते हैं कि इस सर्विस का कॉस्ट आया था। ये हो गई 30,000 तक जो भी सर्विस प्राइस है। इसके बाद जो एक नेक्स्ट सर्विस आती है 40,000 वाली, वो थोड़ी सी मेजर सर्विस होती है, बिकॉज ये सीएनजी मॉडल है और इसमें जो सीएनजी का वॉल्व वगैरह चेंज होना होता है वो सारी चीज़ें भी होती हैं। तो जो ये मेरी 40,000 वाली सर्विस है वो मुझे पड़ी है 10,773 रुपये की, तकरीबन 11,000 रुपये की सर्विस मारुति वैगनआर, वो भी बेस मॉडल की, आप समझ लीजिए। तो हाँ, ये तकरीबन 10,800 थी, यानी 11,000 के आसपास की 40,000 वाली सर्विस थी। ये एक मेजर सर्विस होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट सर्विस है वो है 52,000 रुपये की, सॉरी 53,000 रुपये की, 53,000 किलोमीटर पे, यानी 50,000 प्लस किलोमीटर पे। इसका प्राइस है 6,800 रुपये, 6,823 रुपये 18 पैसे एग्जैक्ट प्राइस था इसका। तो ये हो गई मेरी 50,000 तक की टोटल सर्विस कॉस्ट। तो ये तकरीबन 7 सर्विसेज हैं टोटल, और इन 7 सर्विसेज में जो 3 सर्विस हैं वो फ्री हैं बाय द वे, तो 4 सर्विस इफेक्टिवली ये हो जाती हैं। 31,208 रुपये टोटल इस गाड़ी को रखने का, अगर आप 50,000 किलोमीटर तक चलाते हैं तो सर्विस का कॉस्ट आपको 31,000 के आसपास आपको आता है, 31-32,000 के आसपास आपको इसका कॉस्ट आता है 50,000 किलोमीटर तक का। सिर्फ सर्विस ही नहीं है, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, मैं आपको उन चीज़ों के बारे में भी बता देता हूँ। इंश्योरेंस नहीं बताऊँगा मैं, क्योंकि वो तो आपको लेना ही पड़ता है, लेकिन मैंने इसके बाद ये 50,000 किलोमीटर जब हो गए तो उसके बाद गाड़ी को 54,000 किलोमीटर पे, क्योंकि गाड़ी की जो टायर प्रोफाइल है वो 13 इंचेज़ हैं,
54,000 किलोमीटर पे मैंने गाड़ी के टायर चेंज करवाए थे, और ये जो टायर चेंज हुए हैं मैंने एक्चुअली एक स्टेपनी में टायर आता है जो बिल्कुल ब्रांड न्यू होता है, तो मैंने सिर्फ फ्रंट व्हील्स को चेंज कराया, और फ्रंट व्हील्स को चेंज कराने के लिए मैंने सिर्फ एक ही टायर खरीदा, जो कंपनी वाला टायर होता है मैंने एग्जैक्टली वही टायर खरीदा। तो एक आगे स्टेपनी वाला टायर लग गया लेफ्ट में, एक जो मैंने नया खरीदा वो यहाँ राइट में लग गया, और जो आगे वाले जो टायर थे वो पीछे चले गए, और पीछे वाले टायर को मैंने डिस्पोज कर दिया, यानी कि उसको एज अ स्टेपनी यूज़ करता हूँ मैं जो कंपनी से आ रहे थे। तो टेक्निकली मैंने एक ही टायर खरीदा, और उस टायर का जो कॉस्ट था मेरे को वो 3100 रुपये के आसपास आया, जेके टायर का ये वेक्ट्रा जो सीरीज़ है उसका टायर था। 3100 का इसलिए है क्योंकि वो भी मैंने डिस्काउंट में कुछ लिया, मैंने शोरूम से टायर नहीं लिया या मारुति से टायर नहीं लिया, वरना वो भी मुझे बहुत महंगा पड़ जाता। तो 3100 रुपये आप इन 50,000 में जोड़ लीजिए, 50,000 किलोमीटर पे गाड़ी को टायर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट खर्चा था गाड़ी में वो था बैटरी का। मैं आपको बता रहा हूँ 40,000 किलोमीटर के बाद, 40-45,000 किलोमीटर के बाद ये गाड़ी आपसे नई बैटरी की डिमांड करती है, और जो बैटरी मैंने इस गाड़ी में लगवाई है वो अगर मैं मारुति से लेता तो तकरीबन 6,500 से 7,000 के बीच में पड़ती, लेकिन बैटरी एक एक्सटर्नल फिटमेंट है तो मैंने वो गो मैकेनिक से ले लिया, और बैटरी मुझे पड़ा तकरीबन 4,500 रुपये का। तो ये 3,000 और 4,500 जो 32,000 का जो मैं कॉस्ट बता रहा था उसमें ये भी जोड़ लीजिए आप, जो कि 7,500 हो जाता है, तो 32,000 प्लस 7,500 यानी कि तकरीबन 39,500 का ये कॉस्ट है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो मेजर खर्चा आता है 50,000 किलोमीटर तक, वो आता है गाड़ी की क्लच प्लेट का। तो मैंने अभी रिसेंटली गाड़ी की क्लच प्लेट भी चेंज करवाई है 60,000 किलोमीटर की सर्विस के पहले ही, और गाड़ी की क्लच प्लेट का जो खर्चा है वो मुझे आया है 10,194.95। देखिए इस तरह का जो भी कोई काम होता है वो मैं मारुति से ही करवाता हूँ, लेकिन ये बैटरी हो गया, टायर हो गया, ये सब मैं बाहर से ले लेता हूँ। तो ये हो गया 50,000 किलोमीटर पे पूरा क्लच प्लेट, सिंगल टायर, बैटरी को लेके जो आपका जो खर्चा आता है वो टोटल हो गया 50,000 रुपये का। यही थंबनेल जाएगा सचिन, 50,000 किलोमीटर पे 50,000 रुपये। तो एक तरह से पर किलोमीटर 1 रुपया ये गाड़ी एज अ मेंटेनेंस आपसे ले रही है। उसके बाद जो बाकी जो छोटे मोटे वेयर एंड टेयर के खर्चे होते हैं, व्हील अलाइनमेंट हो गया, बैलेंसिंग हो गया, या अभी मैंने ये मेरे बम्पर पे लग गया था, आपको मैंने सेकंड वीडियो में बताया था कि हल्का सा लगता ही स्क्रैच आ जाता है, तो उन स्क्रैचेस को रिमूव कराने के लिए जब आप इंश्योरेंस में देते हो तो उसमें भी कुछ खर्चा आपको देना पड़ता है। बट दैट इज़ हाउ यू ड्राइव, यू नो, इफ़ यू ड्राइव सेफली, इफ़ यू ड्राइव इन प्रॉपर कंडीशंस, इफ़ यू ड्राइव प्रॉपरली, देन ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होंगी नहीं। हाँ, उसके अलावा जो एक खर्चा होता है वो होता है ऑफकोर्स इंश्योरेंस का, यू हैव टू परचेज इंश्योरेंस एवरी ईयर, बट देन यू डू इट फॉर योर बाइक, स्कूटर्स, एवरीथिंग, राइट। सो ये एक ओनरशिप कॉस्ट है वैगनार LXi CNG का, जो 50,000 प्लस किलोमीटर चल चुकी है, यानी 57,000 अभी चल चुकी है, लेकिन 50,000 किलोमीटर तक का जो खर्चा होता है वो गाड़ी में पूरा 50,000 रुपये का होता है, इंक्लूडिंग फ्री सर्विसेज, इंक्लूडिंग बैटरी रिप्लेसमेंट, इंक्लूडिंग क्लच प्लेट एंड इंक्लूडिंग अ सिंगल टायर। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हम आपके लिए ऐसे ही और भी मज़ेदार रिव्यूज़, ओनरशिप कॉस्ट, नई गाड़ियाँ लेके आते रहेंगे। YouTube पर आज आपने पहली बार देखा है विद एविडेंस जो भी गाड़ी का खर्चा होता है, ये हमने आपको साफ साफ बता दिया है। बने रहिए हमारे चैनल ऑटो सिंह के साथ। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स।